Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College, Bara, Rajasthan. Today, we are going to study about psychedophilicals. बच्चों साइकोडेफिलिकेल्स जिम्नोस फॉसिल जिम्नोस्पर्म का एक ग्रुप है जिसे पहले तो साइकोडेफिलिकेल्स बोलते थे लेकिन आजकल इसे टेडोस्पर्मेल्स के नाम से पुकारा जाता है। साइकोडेफिलिकेल्स और टेडोस्पर्मेल्स दोनों एक ही समूह के नाम हैं। साइकोडेफिलिकेल्स साइकेडोफिलिकेल्स को लोकप्रिय रूप से सीट फर्म के नाम से जानते हैं। एक ग्रुप ऑफ फॉसिल जिम्नोस्पर्म, फॉसिल जिम्नोस्पर्म का ये एक ग्रुप है। जिम्नोस्पर्म का ये एक विलुप्त समूह है जिसका कोई भी सदस्य आज पृथ्वी पर नहीं पाया जाता। ऑर्डर के पुराने नाम साइकेडोफिलिकेल्स का अर्थ है साइका जैसे ऐसे पादप जिसकी पत्तियां फर्नों जैसी बड़ी वे पंख सदस्य होती हैं, फीदर लाइक होती हैं। इसका साइकेडोफिलिकेल्स नाम क्यों रखा गया? क्योंकि साइका जैसे ऐसे पादप जिनकी पत्तियां फर्नों जैसी बड़ी वे पंख सदस्य होती हैं। इसके आधुनिक नाम टेडोस्पर्मेल्स रखा गया जिसका अर्थ है टेडोफाइटा सदृश ऐसे पादप जो बीज धारण करते हैं। इसका नाम टेडोस्पर्मेल्स क्यों रखा गया? टेडोफाइटा सदृश ऐसे पादप जो बीज धारण करते हैं, इसलिए पौधों का यह समूह फर्न्स व साइकेड्स के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक के रूप में कार्य करता है, एक कड़ी बनाता है दोनों के बीच में। बच्चों मैंने पहले बताया था कि जैसे कि बीजों की उत्पत्ति पिछले लेक्चर्स जितने भी निकले उनमें मैंने बताया था, बीजों की उत्पत्ति सर्वप्रथम जिम्नोस्पर्म पादपों में हुई लेकिन साइकेडोफिलिकेल्स एक ऐसा पादप समूह है, एक ऐसा पादप समूह था जिसके अधिकांश कायिक लक्षण मुख्यतः पर्णों के लक्षण फर्नों से समानता रखते हैं, अतः इसे बीज फर्न या सीड फर्न्स कहना उपयुक्त होगा। ऑल्सो कॉल्ड एज साइकेडोफिलिकेल्स दे आर सीड फर्न्स, इन्हें बीज फर्न। बीज फर्न क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पादप के अधिकांश कायिक लक्षण मुख्यतः पर्णों के लक्षण फर्नों से समानता रखते हैं। जिम्नोस्पर्म विथ फर्न लाइक लीव विच प्रोड्यूस सीड, इसमें फर्न लाइक लीव्स होती हैं जो सीड्स को प्रोड्यूस करती हैं। मेडुलोसा में आपको ये दिखाई दे रहा है। जियोलॉजिकल होरिजन, टेडोस्पर्मेल्स और साइकेडोफिलिकेल्स ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द अपर डेवोनियन पीरियड, ये अपर डेवोनियन पीरियड में ओरिजिनेट हुए। फ्लोरिश थ्रू आउट कार्बोनिफेरस एंड परमियन पीरियड, एक्सटिंक्ट इन मीज़ोज़ोइक इरा। टेडोस्पर्मेल्स और फिर साइकेडोफिलिकेल्स पादप की उत्पत्ति, पादपों की उत्पत्ति सर्वप्रथम पहले जो एक महाकल्प के अपर डेवोनियन पीरियड में हुई। कब हुई? पहले जो एक महाकल्प के उत्तर डेवोनियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई। यानी आज से लगभग 35 करोड़ 25 लाख वर्ष पूर्व इनका ये इसकी उत्पत्ति हुई।
ये पेलेजोइक महाकल्प के कार्बोनिफेरस वे परमियन कालों में काफ़ी विकसित तथा व्यापक रूप से वितरित रहे, फ्लोरिश्ड रहे कार्बोनिफेरस में और परमियन पीरियड में ये काफ़ी फ्लोरिश रहे, लेकिन परमियन के उत्तर काल में कम होना प्रारंभ हो गए। इसके पश्चात मीज़ोज़ोइक महाकल्प के ट्रायसिक काल में ये पादप यकायक विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट इन द मीज़ोज़ोइक एरा, यानी कि मीज़ोज़ोइक महाकल्प के मीज़ोज़ोइक एरा के ट्रायसिक पीरियड में ये पादप यकायक विलुप्त हो गए। डिस्कवरी डिस्कवर्ड बाय ग्रैंड यूरी इन 1877। फॉसिल पादप के फॉसिल रूप के इस पादप वर्ग की खोज ग्रैंड यूरी ने 1877 में की। भारत में भी टेडोस्पर्म्स पादप पेलेजोइक वे मीज़ोज़ोइक महाकल्प के निम्न मध्य वे उच्च गोंडवाना प्रणाली में मिलते थे लोअर मिडल एंड अपर गोंडवाना सिस्टम में मिलते हैं। इन पादपों का प्रारंभिक नाम साइकेडोफिलिकेल्स रखा गया था। बाद में 1904 में ओलिवर तथा स्कॉट ने इसका नाम टेडो स्पर्मेल्स रख दिया। वर्तमान में इसके दोनों नाम प्रचलित हैं, एक तो साइकेडोफिलिकेल्स एक टेरिडोस्पर्मेल्स, दोनों ही नाम प्रचलित हैं। करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेडोस्पर्मेल्स और साइकेडोफिलिकेल्स और टेरिडोस्पर्मेल्स के लाक्षणिक लक्षण। प्लांट विद इरेक्ट सिलेंडर और वीक स्टेम। प्लांट इरेक्ट था, सिलेंडर था और इसका तना जो था वो कमजोर था। लीव्स लार्ज, पेनेटली कंपाउंड एंड फ्रोन लाइक। यंग लीव्स विद सर्सिनेट वर्नेशन। लीव्स आर स्पाइरली अरेंज्ड। लीव्स विद थिक क्यूटिकल। ये एक बहुत बड़ा वे व्यापक विविधता दर्शाने वाले पादपों का समूह था। क्या था ये एक बहुत बड़ा वे व्यापक विविधता दर्शाने वाले पादपों का समूह था जिसके सदस्य वृक्ष, रेंगने वाले तथा कटलताएं थे। अधिकांश सदस्य फर्न लाइक थे तथा कभी कभी ये वृक्ष वे कास्ट आरोही भी थे। इन पादपों का तना दुर्बल, प्लांट विद इरेक्ट सिलेंडर और वीक स्टेम था, स्तंभ दुर्बल वे आंतरिक संरचना इसकी फर्नों के समान थी। रंभ सदैव ठोस रंभ या नाल रंभ तथा बहुरंभी था जिसमें प्रोटोजाइलम अधिकतर मध्याधिदारुक होता था। पत्तियां बहुत बड़ी, लीव्स लार्ज, वे प्रपण समान, फ्रोंड लाइक, वे पिच्छा खारती, पिनेटली कंपाउंड एंड फ्रोंड लाइक थी, यानी कि पत्तियां बहुत बड़ी, प्रपण समान, वे पिच्छाकार थी। लीव्स आर स्पाइरली अरेंज्ड, ये स्तंभ के शीर्ष पर सर्पिल रूप से विन्यासित थी। लीव्स विथ थिक क्यूटिकल, पन्नों की अधिचर्म पर एक कड़ी वे प्रतिरोधी परत क्यूटिकल होती थी जिसका विघटन नहीं हो सकता था। इसमें आपको इसकी लीव्स, स्टेम, सारा इसको आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। स्तंभ में बहुत बड़े बड़े
पर्ण अनुपत उपस्थित थे, लीफ ट्रेसेस उपस्थित थे। प्राइमरी जाइलम इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील। प्रारंभिक कास्ट काफ़ी मात्रा में उपस्थित थी और वो मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील मध्यादिदारुक थी। जाइलम यूजली मिजार्स रेयरली एक्सार्स। इन फ्यू फॉर्म जाइलम इज रिड्यूस्ड टू सर्क्यूमेडुलरी स्टैंड। इन सम फॉर्म्स द स्टील इज पॉलीस्टीलिक। वुड इज मोनोजाइलिक। अमाउंट ऑफ वुड एंड फ्लोएम वेरी लेस। वुड ट्रैकेट्स विद मल्टी सेरिएट बॉर्डेड पिट्स ऑन देयर रेडियल वॉल्स। लीफ ट्रेसेस आर मिजार्स। देयर मे बी डबल और मल्टीपल लीफ ट्रेसेस। स्तंभ में बहुत बड़े बड़े पर्ण अनुपत लीफ ट्रेसेस उपस्थित थे। प्राथमिक कास्ट काफ़ी मात्रा में उपस्थित तथा ये मध्यादिदारुक थी। द्वितीयक कास्ट सीमित मात्रा में उपस्थित तथा ये विरल दारुक थी तथा वाहिनिकाओं से निर्मित होती थी। द्वितीयक कास्ट सीमित मात्रा में उपस्थित तथा ये विरल दारुक तथा वाहिनिकाओं से निर्मित होती थी जिसकी अरीय व्यक्ति पर बहुपंक्तिक परिवेशित गर्त उपस्थित थे। इसमें मल्टी सीरेट बॉर्डेड पिट इसमें प्रेजेंट थे। रंभ सदैव ठोस रंभ व नाल रंभ तथा बहुरंग भी था जिसमें प्रोटोजाइलम अधिकतर मध्यादिदारुक होता था, यानी कि प्रोटोजाइलम मिजार्स कंडीशन में होता था। माइक्रोस्पोरेंजिया विदाउट एन्युलस। माइक्रोस्पोरेंजिया आर ऑफन ग्रुप्ड इनटू सिनेंजिया। पोलन ग्रेन्स में भी मोनोलेट और ट्राइलेट। माइक्रोस्पोरेंजिया ग्रुप में सिनेंजिया के रूप में पाए जाते थे। अब हम बीजों का निर्माण कॉन्स या पुष्पक्रम में नहीं होता था वरन ये सीधे पर्णों पर उत्पन्न होते थे। इन पर्णों को मेगा स्पोरोफिल कहते थे। सूक्ष्म बीजाणुधानियाँ वल एक्स एन्युलेट होती थी विदाउट एन्युलस होती थी। वलरिका रहित सूक्ष्म बीजाणुधानी का माइक्रोस्पोरेंजिया होती थी ये वलरिका रहित तथा कभी कभी सब बीजाणुधानियों में समूहित होती थी। परागकरण के अंकुर के समय पराग नलिका नहीं बनती थी। पोलन ग्रेन्स ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ पेरिफेरल सेल्स इनक्लोजिंग ए सेंट्रल कैविटी। पोलन ट्यूब वर नॉट प्रोड्यूस। परागकणों में अंकुरण के समय परागनलिका नहीं बनती थी। मेल गैमेट्स आर मोटाइल फ्लेजिलेटेड। मेल गैमेट्स के चल थे और वो इसमें फ्लेजिला उपस्थित थे। मेल गैमेट्स आर डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू द पोलन चैम्बर। ऑर्डर टेडोस्पर्मेल्स और साइकेटोफिलिकेल्स को चार फैमिलीज में बांटा गया। ये चार फैमिलीज हैं। इसको चार कुलों में बांटा गया। ये चार कुल हैं, सॉरी पांच कुलों में बांटा गया है इसको। लेजिनोप्टेरिडेसी, जिसमें लेजिनोप्टेरिस की हम स्टडी करेंगे। सेकंड है मेड्यूलोसेसी, इसमें मेड्यूलोसा की हम स्टडी करेंगे। थर्ड है केलेमोपिटेसी,
फोर्थ है पेल्टेस्पर्मेसी, फिफ्थ है केरिस्टोस्पर्मेसी। केलेमोपिटेसी के अंदर केलेमोपाइटिस की हम स्टडी करेंगे, केरिस्टोस्पर्मेसी, ये इसके इसको 5 भागों में इसको बांटा गया आगे 5 कुलों में। ऑर्नल्ड ने और टेडोस्पर्मेल्स को ऑर्नल्ड ने 5 कुलों में बांटा इसको। ये 5 कुल हैं, द्वारा रिपीट कर रही हूँ बच्चों, लाइजिनोप्टेरिडेसी, केरिस्टोस्पर्मेसी, पल्टास्पर्मेसी, मेड्यूलोसेसी, केलेमोपिटियेसी। इंटर रिलेशन पे आते हैं हम, टेडोस्पर्मेल्स और टेडोस्पर्मेल्स और साइकेडोफिलिकेल्स एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फन एंड टिपिकल साइकेडोफाइट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेडोस्पर्मेल्स फर्न और साइकेडोफाइट्स के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि इसके कुछ लक्षण टेडोस्पर्म से मिलते हैं, टेडोफाइट से मिलते हैं और कुछ साइकस से मिलते हैं। दे शेयर सिमिलर करेक्टर विद टेडोफाइट्स एंड साइकेडोफाइट्स। इसके बहुत सारे लक्षण टेडोफाइट से मिलते हैं और बहुत सारे लक्षण से साइकेडोफाइट से मिलते हैं, इसलिए ये साइकेडोफाइट्स और टेडोफाइट्स के बीच में एक लिंक के रूप में कार्य करता है। सिमिलरिटी बिटवीन टेडोस्पर्मेल्स और साइकेडोफिलिकेल्स एंड फर्न्स, लार्ज पिनेटेली कंपाउंड लीव्स। इन दोनों में बड़ी पिनेटेली कंपाउंड पत्तियां पाई जाती हैं, बड़ी पत्तियां इसमें बहुत बड़ी फ्रोन लाइक प्रपण समान वे पिच्छाकार होती हैं। डाइकोटोमसली ब्रांच्ड लेटरल वेंस, लेटरल वेंस की डाइकोटोमसली ब्रांच होती हैं। लीव्स विद सर्सिनेट वर्नेशन, सम जेनरा विद प्रोटोस्टेल, सम जेनरा विद पॉलिस्टिलिक जैसे मेडुलोसा में पाई जाती है, जाइलम इनका मिजार सोचा होता है, लीफ ट्रेसेस मिजार्स होते हैं, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल लीफ ट्रेसेस, इसमें मल्टीपल लीफ ट्रेसेस की प्रेजेंस होती है, यानी कि बड़े बड़े पर्ण अनुपात इसमें पाए जाते हैं, जाइलम विदाउट वेसल्स एंड फ्लोएम विदाउट कंपेनियन सेल। जाइलम में वेसल्स अनुपस्थित होती हैं जबकि फ्लोएम में कंपेनियन सेल अनुपस्थित होती है। सिमिलरिटीज बिटवीन टेडोस्पर्मेल्स एंड फर्न्स। इन फ्यू फॉर्म माइक्रोस्पोरेंजिया एग्रीगेटेड टू सिनेंजिया। इनके कुछ ग्रुप में जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं वो सब बीजाणुधानियों में समूहित होते हैं। माइक्रोस्पोर्स आर ट्राइलेट इन सम फॉर्म्स, स्पोर मॉर्फोलॉजी सिमिलर टू टेडोफाइट। इसकी स्पोर मॉर्फोलॉजी टेडोफाइट से समानता दर्शाती है। एंडोस्पोरिक गैमेटोफाइटिक जनरेशन इसमें पाया जाता है, मोटाइल फ्लैजेलेट एंथ्रोजोइड्स इसमें पाए जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, इसमें आर्किगोनिया की प्रेजेंस पाई जाती है। सिमिलरिटीज बिटवीन टेडोस्पर्मेल्स एंड साइकेडेल्स।
एरियल इरेक्ट स्टेम पाया जाता है इसमें, यानी कि इसमें वृक्ष पाया जाता है, इरेक्ट एरियल इरेक्ट स्टेम पाया जाता है। पिनेटली कंपाउंड लीव्स सर्सिनेट वर्नेशन पाया जाता है, यानी कि इसमें पत्तियां जो होती हैं पिच्छाकार होती हैं इसके अंदर। मिजार्स लीव ट्रेसेस पाए जाते हैं इसके अंदर, और मल्टीपल लीव ट्रेसेस पाए जाते हैं। पर्ण अनुपत मिजार्स और मल्टीपल होते हैं। मोनोलेट माइक्रोस्पोर्स इन मेडुलोसा एंड ऑल साइकेट्स। हेटरोस्पोरस कंडीशन इसके अंदर पाई जाती है। रिडक्शन ऑफ गेमेटोफाइटिक जनरेशन, गेमेटोफाइटिक जनरेशन का इसमें रिडक्शन पाया जाता है। एंडोस्पोरिक गेमेटोफाइट पाया जाता है। स्पोरेंजिया विदाउट एन्यूलस, सूक्ष्म बीजाणु धानियाँ वलयिका रहित तथा कभी कभी सिनेंजिया या सम बीजाणु धानी में समूहित होती हैं। सिमिलरिटीज बिटवीन टेडोस्पर्मेल्स एंड साइकेडेल्स चल रहा है, यानी कि साइकेडोफिलिकेल्स और साइकेडेल्स में क्या समानता है। मोटाइल फ्लैजिलेटेड गैमेट्स पाए जाते हैं दोनों में। ओव्यूल विद सिंगल इंट्यूगमेंट, इंट्यूगमेंट ऑफन डिस्टिंग्विश इंटू थ्री लेयर्स। प्रेजेंस ऑफ पोलन चैम्बर, इसमें दोनों में पोलन चैम्बर की उपस्थिति पाई जाती है। प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, दोनों में आर्किगोनिया प्रेजेंट होती है। मेगास्पोर विथ थिक वॉल, मेगास्पोर में पे चारों तरफ मोटी थिक वॉल प्रेजेंस होती है। द सिमिलरिटीज बिटवीन साइकेडोफाइट्स एंड टेडोस्पर्मेल्स सजेस्ट दैट द साइकेडोफाइट्स मे बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अर्ली टेडोस्पर्मेल्स ऑफ कार्बोनिफरस पीरियड। साइकेडोफाइट्स और टेडोस्पर्मेल्स के बीच में समानता ये शो करती है कि साइकेडोफाइट्स भी शायद अर्ली टेडोस्पर्मेल्स से ही उत्पन्न हुए कार्बोनिफेरस पीरियड में। थैंक यू सो मच बच्चों, धन्यवाद बच्चों। आगे हम इसके मेंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे, लाइजेनोप्टेरिस। ग्लासोप्टेरिस इन दोनों मेंबर्स की हम, इसी ग्रुप के जो दोनों मेंबर्स हैं इनकी हम आगे की स्लाइड्स में, आगे के लेक्चर्स में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, धन्यवाद।